यहाँ पे इस वक्त आए हैं दोस्त हैं उनके यहाँ, यहाँ पे ब्रेकफास्ट हमने इधर ही करना है इंशाअल्लाह। ये जो है ब्रेड है एक मुख्तलिफ किस्म की चीज के साथ, और यहाँ पे अंडा आ गया अपना जो अरबी में हम शक्शुका बोलते हैं। नई रेंज रोवर उनकी आई है वहाँ, मैं और जुबैर भाई और इलियास भाई इसको ड्राइव करेंगे। आप खुद आके यहाँ पे उठा सकते हैं और पैसे जो है आपको यहाँ पे रखने हैं। बतख के अंडे चेक करें बड़े, ये देखें अभी माशाल्लाह कितना बड़ा अंडा है। और ये जो टी रूम है ये तकरीबन 100 साल पुराना यहाँ का टी रूम। इलियास भाई को जो है पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मैच की फिक्र है। यहाँ की अक्सर जो पुरानी इमारतें हैं उनके ऊपर ये घड़ियाल क्यों बने हुए होते हैं? ये घड़ी डिजाइन जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूँ ज़ुबैर रियाज, मौजूद हूँ ब्रैडफोर्ड में। सबसे पहले दुरूद अस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिही व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आज जो है हमारी पहली सुबह है ब्रैडफोर्ड में। बहुत ही खूबसूरत टाउन है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है, मैं अभी इसी की बात कर रहा हूँ। रात को हम गए थे, अंधेरा था, यहाँ पर लाइटिंग का जो माहौल है वो इतना ज़्यादा नहीं है जिस तरह मदीना मुनव्वरा में, लंदन में। मैं इवन हम जब रात को घूम रहे थे तो वहाँ पर भी लाइटिंग जो है वो बहुत ही कम होती है, तो आपको सिटी के जो मतलब आसार हैं, जो नक़ोश हैं, जो आर्ट है वो नज़र नहीं आता। तो इस वक्त जो है आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड पे कितना ही खूबसूरत टाउन है ये, और पुरसकून माहौल है। सिर्फ जो है ना कौओं की आवाज़ आ रही है थोड़ी बहुत, पता नहीं कौवे हैं क्या है कौन से, बहरहाल परिंदों की ही आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा मैं आपको ये सारा एरिया दिखाता हूँ, और आज का जो प्रोग्राम है आई थिंक के बहुत ही ज़्यादा बिजी है, फर्स्ट डे है। एक जो चीज़ है कि बहुत ज़्यादा दोस्त मिलना चाह रहे हैं ब्रैडफोर्ड में, और आई थिंक कि जब ये वीडियो आएगी तो शायद उस वक्त मैं ब्रैडफोर्ड से भी निकल चुका हूँ लंदन की तरफ वापस या स्कॉटलैंड की तरफ। लेकिन इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप जहाँ पे भी हैं, अगर आप अभी मैं आपके इलाके में नहीं भी हूँ मतलब आपकी कंट्री में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें ताकि जो है आपको मेरी अपडेट मिलती रहे, क्योंकि मैं वहाँ पे स्टोरीज़ में जो है अपडेट करता रहता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। तो ये आप खूबसूरत सा घर देखें, तकरीबन एक ही शक्ल के आपको मालूम पड़ते हैं, बिल्कुल एक ही शक्ल के हैं, थोड़े बहुत कलर्स में जो है इनका इख्तिलाफ है, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो है ये घर, हर घर जो है तकरीबन एक दूसरे से मुख्तलिफ ही होता है। यहाँ पे हमारी रिहाइश है इलियास भाई के घर। इलियास पटेल भाई जो है असल में इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। तो इलियास भाई कह रहे हैं कि अभी जो है नाश्ता बाहर भी है, हालांकि हमने यहाँ से कर लिया था। मेरे ख्याल से मैं जिस साथी को मिलने जा रहे हैं उनका गिफ्ट जो है वो मैं ऊपर भूल आया हूँ। मैं 2 सेकंड ऊपर सामान लेके आया। बिस्मिल्लाह, ओके, या अल्लाह, यहाँ पे रखे थे ये ले लूँ, एक परफ्यूम है, दूसरा यार ये भी लगा लेते हैं। अपलोडिंग पे लगाई थी वीडियो, नहीं अभी तक तो नहीं हुआ, चले चलता ही रहने दे, फिर खुद ब खुद अपलोड हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह। अभी देखो थोड़ी धूप होती ना, हाँ हाँ, वो जो सामने वो जो दरख्त है ना उसका कलर देखो, कौन सा वाला, वो सारे दरख्तों का कोई नीला है, कोई पीला है, कोई लाल है, ये और ये दरख्त बिल्कुल सूख चुका है ये वाला। हाँ अच्छा, यहाँ पे कुछ शॉपिंग करनी है थोड़ी बहुत हल्की बुल्की सी, एक दो शर्ट्स लेनी है यहाँ के हिसाब से, तो वो चेक करने के लिए आए हैं। और ये पूरा जो है शॉपिंग मॉल है मेरे ख्याल से, उस तरफ जो है खाने पीने की चीज़ें हैं, और ये सारे जो है ना कपड़े हो गए और क्रीमें वगैरह, बाकी जो लवाजमात हैं इंसान ज़िंदगी की वो सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज़ है वो ये है कि हीटर जो है ना आपको हर शॉप में चलता हुआ मिलेगा, तो आपको सर्दी फील नहीं होती। सर्दियों का सारा सामान है, वैसे भी यहाँ तो सारा साल सर्दियों का सामान चलता है ना, सेल लगाया हुआ है। खुदा खुदा जिसने की जुस्तजू, मिल गया उसको तू। अच्छा भाई, यहाँ पे इस वक्त आए हैं ये पल्स जो है हमारे दोस्त हैं उनके यहाँ, यहाँ पे ब्रेकफास्ट हमने इधर ही करना है इंशाअल्लाह। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, जगह का नाम बताइएगा यार मुझे। पल्स टी रूम। माशाल्लाह, चले बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, जबरदस्त, माशाल्लाह।
मैं लूंगा थोड़ा रखें, नाश्ता करके आए थे। अच्छा यहाँ पे माशाल्लाह इस वक्त नाश्ता आ चुका है, आप बिस्मिल्लाह करें। ये जो है ब्रेड है एक मुख्तलिफ किस्म की चीज़ के साथ, और यहाँ पे ये अंडा आ गया अपना जो अरबी में हम शक्शुका बोलते हैं, मिसाला आमलेट है। ग्रेट, थैंक यू माशाल्लाह। बस और ये जो है फ्राई अंडा आ गया। अच्छा यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया। ज़िंदगी के जो कुछ बेहतरीन नाश्ते होते हैं जो कि आपको उनकी जो चीज़ है ना याद रह जाती है, मेरे ख़्याल से वन ऑफ देम इधर होगा। ये जो ज़ाहिद साहब का यहाँ पे है सिस्टम बहुत ही बेहतरीन, यकीनन मुझे मतलब उसमें से दो तीन चीज़ें बहुत ही मज़े की आईं। टोस्ट थी, उसके ऊपर जो है चीज़ विद एग, जायका ही मुख्तलिफ था। ज़िंदगी में हम खाते रहते हैं ट्रैवलिंग के दौरान और मदीना में भी, लेकिन यहाँ पर इसका जो जायका था शायद मुझे कुछ अरसा तक याद रहेगा। तो शायद मुझे ये जगह भी पसंद आई है, तो मीटअप भी हम यहीं पे इंशाल्लाह रख सकते हैं। ये जो पॉइंट है इसके ऊपर मैं ये सारी जगह दिखा देता हूँ। ये जो है खूबसूरत सा, मैं तो समझ रहा था शायद बेकरी है लेकिन रेस्टोरेंट टाइप भी है, सब कुछ है उसमें। जी इस वक्त हम निकल चुके हैं, रास्ते में हैं जाहिद भाई के साथ। जाहिद भाई आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, प्लीज़। पहली तो बात है मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि ज़ुबैर भाई मेरे साथ हैं आज। तो अभी फर्स्ट टी रूम से हम जा रहे हैं रेंज रोवर के गैरेज में। okay. जो भी नई रेंज रोवर उनकी आई है वहाँ मैं और ज़ुबैर भाई और इलियास भाई इसको ड्राइव करेंगे और देखेंगे, और वहाँ पे हमारा लंच भी है, वहाँ पे हम इंजॉय करेंगे। खाना खा के अभी निकले? हाँ वो तो ब्रेकफास्ट था, अभी हमने लंच करना। फजर की नमाज के बाद एक स्टार्टर इनके घर था, अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट, अभी फिर जो है लंच। खाने पीने का फुल माहौल है भाई माशाल्लाह। तो कितना है फासला यहाँ से? यहाँ से हम इंशाल्लाह आधे घंटे तक पहुँच जाएंगे। ग्रेट। अच्छा ये सामने जो है पाकिस्तानी हाउस झंडा नजर आया था, अभी इनके पीछे ही है ना? हाँ ये रहा, यस कॉन्सुलेट ऑफ पाकिस्तान, जबरदस्त जी। जरा बताएं जाहिद भाई ये जो है यहाँ पे, ये हम अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हमने पहुँचना था जी जी वहाँ पे पहुँच गए हैं। लैंड रोवर जगुआर, ओके। बस ये कंपनी जर्मनी है या किसकी है लैंड रोवर की? पहले इंग्लिश थी, आजकल अच्छा। का पता नहीं है, ये सारे रोवर्स हैं इनके पास। जबरदस्त माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त इन्होंने सारा गाड़ियों का, उस तरह सारा गाड़ियों का। ग्रेट। ये फिश एंड चिप्स है सबसे बड़ी पूरे इंग्लैंड में। अच्छा हाँ, इसकी क्या खासियत है? ये शुरू में कहीं पुराने जमाने में बनी, तो फिश एंड चिप्स ही मेन इनका खाना है। okay. बाद में तो हम एशियन लोग आ गए, कश्मीरी आ गए, हमने डिफरेंट चीजें यहाँ पे शुरू कर, बीच में और चीजें ऐड कर दी। लेकिन ये पहले जी इस वक्त जो है हम एक क्या कहते हैं गांव में रुके हुए हैं, रास्ते में कहीं जहाँ पे भी जा रहे हैं उस रास्ते में गाँव आया खूबसूरत सा। इस इलाके का नाम जरा बताइएगा। हैरोगेट के पास है, हैरोगेट के पास। अच्छा इस तरफ जो है ये देखे आप माशाल्लाह क्या कहते हैं बकरे हैं, भेड़े भेड़े बोलते हैं, लेले हैं। ये देखें जो है ना शीप वगैरह यहाँ पे बैठी हैं, ये ज़बरदस्त किस्म के माहौल को जो है माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। ये यहाँ के खेत कलियान है। जाहिद भाई हमें यहाँ के जो गांव है वो दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं माशाल्लाह। और जो एक तरीके से आपको चीज़ समझ, जैसे मैप बना हुआ हो ना हर चीज़ का, वैसे ही समझ आ रहे बाउंड्री लाइन्स की, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे पानी के लिए मतलब वो नहर तो जरूरत नहीं है ना, तो बारिश ही काफी है। बारिश ही काफी है जबरदस्त। अच्छा एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे आए हैं। यहाँ पे क्या है कि क्योंकि सारा इलाका जो है ना गांव का इलाका है और यहाँ पे फार्म्स वगैरह हैं। ये अंडे रखे हुए हैं इन्होंने, कितने का है ये? लिखा हुआ है 240। अच्छा जबरदस्त। ये किसके हैं? ये डक के हैं। ये बड़े हैं, ये मुर्गी के हैं। अच्छा ये आप आके यहाँ पे कोई सेल्समैन वगैरह नहीं है, आप खुद आके यहाँ पे उठा सकते हैं और पैसे जो है आपको यहाँ पे रखने हैं। तो पहले हम थोड़ा सा जो है साथ में अराउंड चक्कर लगा लेते हैं, फिर उसके बाद लेते हैं। अभी आप पैसे ना रखें, वो खरीदने मैंने हैं यहाँ से। ये जो है इनके आसपास का माहौल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेब भी रखे हुए हैं माशाल्लाह, पूरी जो है बाल्टियों में बनाए हुए हैं। उधर से जो है उनका जो पपी है वो जो है क्या कहते हैं चिल्ला रहा है हमें नए लोगों को देख के, क्योंकि जो जिन्होंने ख़रीदना होता है एग वो उन्होंने बाहर रखे हुए हैं वहाँ पर। इस तरफ यहाँ पर इस तरफ जो है इनके घर है, और यहाँ पर इस तरफ देखें आप इनके जो मुर्गियाँ हैं ना वो यहाँ पे देसी मुर्गियाँ हैं सारी जो है घूम फिर रही हैं। इस तरफ भी सारी मुर्गियाँ हैं और अंदर भी बहुत से इन्होंने अंडे रखे हुए हैं। सेब मैं चेक करता हूँ किस किस्म के सेब हैं। अच्छा ये मीठे सेब हैं मेरे ख्याल से।
दूर से मुझे अमरूद लग रहे थे, इसको देख के मैं डर गया। मैंने कहा शायद जो है ना कोई चीज़ बैठी है, फिर देखा कि तो नीचे जो है वो बुत बना हुआ है। ये रही मुर्गियाँ, अजीब अजीब किस्म की मुर्गियाँ। अब आए वहाँ से जो है अंडे उठाते हैं और फिर आगे के जो है सफ़र करते हैं, इंशाल्लाह वहाँ से आप लोगों को अच्छी वीडियोस दिखा सकेंगे। अच्छा खुले पैसे ना हो तो उसका भी इंतज़ाम है, और क्योंकि रखे हुए हैं ना पैसे तो आप उसमें जो है चेंज रखा हुआ है। पर दर्जन मतलब 2 pounds 40 pence का दर्जन, जब 6 है ना। हाँ, ये 6 हैं और 6 और वो पड़े हैं। अच्छा टोटल 12। बतख के अंडे चेक करें, बड़े हैं बतख के। ये देखें अभी माशाल्लाह कितना बड़ा अंडा है, पूरे हाथ में आ रहा है, जबरदस्त। फर्स्ट पे देन विल बाय। चल ग्रेट, ओके। अच्छा आप यहीं से लेते रहते हैं अपने लिए? मैं अक्सर संडे इधर आता हूँ। संडे बाइक पे? बाइक पे। ग्रेट। सबका तू रहनुमा ऐ खुदा ऐ खुदा। इस वक्त आपको फील होगा कि हम बिल्कुल अंग्रेजों के इलाकों में आ चुके हैं, मतलब जैसे कि वो मूवीज में देखते हैं ना कि खिजां के जो पत्ते हैं वो झड़े हुए हैं, दरख्तों के ऊपर कुछ पत्ते मौजूद हैं, कुछ पत्ते जो है वो गिर चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही माहौल है। और इस वक्त हम हैरोगेट एक जगह का नाम है वहाँ पे आए हुए हैं, और बहुत ही तारीखी मतलब है कि यहाँ की ये एक जगह है, इस शहर है, गांव है, टाउन है, क्या है, शहर भी है, गांव भी है। अच्छा, सब कुछ है। ब्रैडफोर्ड में आता है ना ये? नहीं, ये ब्रैडफोर्ड में नहीं है, यॉर्कशायर में। इस वक्त जो है हम यॉर्कशायर में हैं, और यहाँ पे आपको विजिट भी कराएंगे और ख़ुद भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये ज़मीन ये फलक इनसे आगे। अच्छा यहाँ पे ये जो आप एक कॉफ़ी शॉप देख रहे हैं, टी रूम जिसे कहते हैं, बेटीज़ कैफे टी रूम, आप यहाँ पे बाहर जो है उसकी लाइन देखें कि कितनी बड़ी लाइन में जो है मतलब लोग खड़े हैं यहाँ पे इससे ख़रीदने के लिए। तो जाहिद भाई यही बता रहे हैं कि मैं अक्सर, क्योंकि ये यहाँ पे आते थे अपने दोस्तों के साथ, तो इन्होंने जो अपना वहाँ पे जो पैल्स का जो बनाया हुआ है ब्रैडफोर्ड में, यहीं से आइडिया इनके जहन में आया और इन्होंने वहाँ पे ये चीज़ मतलब कि ओपन की, जिसमें वो खुद सर्व कर रहे हैं, जो कि हमने सुबह टेस्ट भी किया था, बहुत ही बेहतरीन था। और साथ में जो है ये आप देख सकते हैं, इस बिल्डिंग का नक्शा देखें आप, ज़बरदस्त। अच्छा इलियास भाई वगैरह जो है वो क्यू में खड़े हैं अंदर जाने के लिए। और ये जो टी रूम है ये तकरीबन 100 साल पुराना यहाँ का टी रूम है, मतलब एक तारीखी जो है इसको हसीयत हासिल है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हर दूसरे बंदे की ये ख्वाहिश है, मतलब उनको अच्छा लगता है कि इस पॉइंट पर आके अंदर जाके बैठें और ये यहाँ पे अपने मतलब के टी वगैरह इंजॉय करें। अच्छा यहाँ पे एक सिस्टम इस तरह है कि वो पूरी ट्रॉली लेके आते हैं मीठे की, मतलब जो केक्स वगैरह हैं ना छोटे छोटे वाले जो 1%, तो उसमें से आप खुद चूज़ करें, बजाय ये कि आप वहाँ जाएं और रश करें, वो यहाँ आप एक पूरी ट्रॉली लेके आएंगे, आप उसमें से जो भी आपको पसंद है आप अपनी चूज़ कर लें। जिसने की जूस तजो मिल गया उसको तू सब। जी इस वक्त फिश एंड चिप्स भी इनके आ गए हैं, और साथ में जो दूसरा सामान है ये भी आ गया माशाल्लाह। मज़े की फ़िश आ गई है, या तो वीडियो बन सकती है या फिर मैं फ़िश इंजॉय कर सकता हूँ, वो भी सर्दी में। तो जाहिद भाई वीडियो बनाएं या फ़िश इंजॉय करें? बेहतर है अभी फ़िश खाएं, बाद में फीडबैक दे देंगे। जी हाँ, आप लोगों को बाद में फीडबैक देंगे, क्योंकि फ़िश जो है ना गर्मा गर्म है चिप्स के साथ। जी इस वक्त जो है हम टी रूम से आ गए हैं, फ़िश बिल्कुल बहुत ही अच्छी थी और चिप्स भी गर्मा गर्म थे, और मतलब मज़ा आ गया बैठने का वैसे यहाँ पे। और ये जो असल में सिटी है ये हॉलीडे सिटी इसी को बोलते हैं तकरीबन, मतलब छुट्टियों की जगह, तो यहाँ पे अक्सर जो गोरे खुद हैं वो भी छुट्टियाँ मनाने आते हैं, और आपको ज़्यादातर यहाँ पर नज़र भी वही आएँगे। बकौल मास्टर इलियास साहब के, यहाँ के जो लोग हैं ना ये मतलब पुराने ज़माने से, जिस तरह हमारे यहाँ ज़मींदार जागीरदार होते हैं ना, ये यहाँ के वैसे ही मालदार फैक्ट्रीदार और क्या कहते हैं सनत बरदार। हाँ
मतलब सनत और फैक्ट्रीज वगैरह, ये इनके मतलब आबा व अजदाद जो हैं वो शुरू से ऐसे ही आ रहे हैं। इलियास भाई को जो है पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मैच की फिक्र है, ज़बरदस्त। तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से निकल जाएगा, हार गया। अच्छा ना कर, नहीं नहीं हारेगा। हाँ जी, इनकी दुकानों की जो स्टाइल है ना, कि आपको ब्रांडफुट में नज़र नहीं आएगी। अच्छा, क्या खास, क्या डिफरेंट है? लोग से अभी देते हैं, पहले मैच का बताएं क्या हुआ। 2-4-3 हो जाएगा, अभी पाकिस्तान जीत जाएगा, देख लेना। अच्छा, ये सीन मैं काटूंगा नहीं, भले हार गया, एडिटिंग में ये सीन नहीं कटेगा। चौका लगा है, वन बॉल पे 3 रन ना का नहीं, हुण फंस गया काम। अब जो है काम फंस चुका है। ये खूबसूरत तरीन बिल्डिंग है, देखें इनकी। अच्छा, ये कमर्शियल है या घर है, क्या है? कमर्शियल है, ये ऑफिस है। अच्छा, ऑफिस, जबरदस्त। अच्छा यार, एक चीज बताएं जाहिद भाई, यास भाई, यहाँ की अक्सर जो पुरानी इमारतें हैं उनके ऊपर ये घड़ियाल क्यों बने हुए होते हैं? ये घड़ी एक डिजाइन था पहले दौर में। अच्छा, अगर देखो हमारे मुल्कों में भी जो पुरानी बिल्डिंग इन्होंने बनाई उस पे भी घड़ियाल। यस, व्हाई? अच्छा, इनका एक, अच्छा एक, अब देखे ना इस पे भी घड़ियाल बना हुआ है इस वक्त, ये चर्च है। 2 runs for 0 ball हार गया, इसका मतलब हार गया, हार गया भाई, क्या कर सकते हैं, चले अल्लाह मालिक है। अब ये देखें कितना ही खूबसूरत और हसीन मंजर है, ऊपर जो है मतलब खिजार के जो पत्ते हैं वो कुछ सब्ज़ हैं, कुछ जो है पीले हो चुके हैं, नीचे ये देखें जो पत्ते ज़मीन के ऊपर। अच्छा, सफाई नहीं करते इनकी? करते। कब करते हैं? बस वही आएंगे जैसे उनको ये होगा, जो मतलब जब ज़्यादा हो जाते हैं, टोटल गिर जाएँ बड़ी तादाद तक, बड़ा हुआ लेके आते हैं, एक ही मरतबा उठाते जाते हैं सारे। ये जो घर है 1923 में बनाया गया था, देख रहे हैं आप, अभी भी खूबसूरत शक्ल में मौजूद है, जिंदाबाद। इस तरफ ये घर देखें सारे, माशाल्लाह। अच्छा, इस शहर में आपको आके फील होगा कि आप जो पुराने ज़माने की जो इंग्लिश वो हैरी पॉटर है ना, उसकी भी मेरे ख्याल तकरीबन ऐसे ही कुछ मतलब क्लिप्स वगैरह देखे हुए हैं, तो ऐसा ही फील होता है। तो आपको यहाँ पर ऐसा आके फील होगा जैसे आप आज से 400 साल 500 साल पहले वाले ज़माने में चले गए हैं, अगर आप गाड़ियाँ ना देखें। उसके अलावा बाकी जो है ना, यहाँ पे सारा वही माहौल है जो आपके मूवीज़ में देखते हैं, जो तारीखी इंग्लिश मूवीज़ है ना, उसके अंदर जो मनाजर आपको दिखाए जाते हैं सर्दियों के, वैसा ही है। मौसम बहुत बेहतरीन है, ठंड मुझे फील नहीं हो रही, लेकिन मैं इंजॉय कर रहा हूँ रेदर देन कि मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, लेकिन साथ में जो है मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ आपको भी ज़रूर दिखाऊं। अच्छा, जितनी तादाद में यहां पे गाड़ियां आपको नज़र आती हैं, आपको फील होता है कि बहुत रश होगा, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे बिल्कुल पुरसकून माहौल है, हमारे लिए पुरसकून है, शायद इनके लिए जो है डिप्रेशन हो कि कोई भी जो है ना आपको बाहर इतने कम लोग नज़र आते हैं। देखें गाड़ियाँ कितनी ज्यादा पार्क है हर तरफ, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस है, सारे लोग काम कर रहे हैं। ओके, 5 बजे काम खत्म करेंगे तब रश भी होगा, थोड़ा रश भी होगा और गाड़ियाँ यहाँ से गुजार चली। ग्रेट, जिस तरह लंदन में था ना कि इतना रश, मतलब पैदल चलने की भी जगह नहीं मिलती, यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पे आप आए, ये ब्रैडफोर्ड से कितना दूर है? ये ब्रैडफोर्ड से तो 40 मिनट लगते हैं, 40 मिनट ब्रैडफोर्ड से तकरीबन 40 मिनट का फासला है, 25 माइल। यहाँ पे आएँ और आप सारा दिन गुजारें, फिर रात को वापस ब्रैडफोर्ड जाएं, क्योंकि रात जो है शायद आप यहाँ पे ना गुजार सकें। यहाँ हैरोगेट में बस एक ही अपने लोगों की चीज़ है, वो इस्तांबुल जो कैफे, तुर्किश सामने जो है इस्तांबुल कैफ़े है, उनके पास जो है ग्रिल वगैरह भी है, मतलब बारबेक्यू, और उसके अलावा जो है उनके पास चाय वगैरह भी, मतलब सिर्फ ये हमें जो है मुस्लिम्स की नज़र आई है यहाँ पर, बाकी जो है यहाँ पर बाकी इनका अपना माहौल है। क्या खूबसूरत कमाल की जगह है, ज़रा प्लीज़ ये मनाजर देखें। ये ज़मीन ये फलक इनसे आगे तलक जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक, ये ज़मीन फलक इनसे आगे तलक। अच्छा, ये एक वेटिंग एरिया बना हुआ है पार्क में, साथ में
ठीक है, आप यहाँ पे बारिश हो रही है तो आप वहाँ बैठ जाएं, अगर बारिश नहीं हो रही तो आप यहाँ पे बैठ जाएं। यार मैं कहता हूँ कि एक होता है ना कि कमाल, ये वाकई कमाल किया हुआ है। अब आइए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे लिए कोई ख़ास मतलब है कि इतनी वो एक्साइटिंग नहीं है ये सारी चीज़ें। मुझे खुशी होती है कि मैं जब कोई नई चीज़ जाके मतलब मैंने कोई चीज़ मूवीज़ में देखी हुई थी, कोई चीज़ वीडियोज़ में देखी हुई थी, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मैं उस चीज़ को यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मुझे इस चीज़ की खुशी है, इतनी ज़्यादा कोई मुझे एक्साइटिंग नहीं। अगर मैं माशाल्लाह बोल रहा हूँ तो वाकई इन लोगों ने कमाल किया हुआ है अपनी चीज़ों को मेंटेन करने में। प्रॉपर्टी ऑफिस है और यहाँ पे घर जो वो बेच रहे हैं वो घर उन्होंने लगाया हुआ है जी। इस वक्त जो है हम यहाँ हैरोगेट से निकल रहे हैं, तकरीबन 4:45 बज रहे हैं असर के, और एल की बता रहे हैं जगह का नाम, वहाँ पे इंशाल्लाह हमने जाना है और देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ है एक्सप्लोर करने के लिए, और फिर उसके बाद जो है वापस हम जाएंगे पर्ल ब्रैडफोर्ड में इंशाल्लाह। तो चलिए चलते हैं और आपको रास्ते के मनाज़र भी दिखाते हैं कि क्या सोचते हैं। खुदा खुदा जिसने की जो सतजो मिल गया उसको तू सबका तू रहनुमा। जी इस वक्त जो है हम एक और रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं। उससे पहले जो ज्यादती हुई है कि जाहिद भाई ने एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का बर्गर खिला दिया था, और अब बिलाल भाई आए हैं मिलने, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बतों का। और ये सीधा जो है यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है वहाँ पे लेके आए हैं, क्या नाम है इसका? मेज़ा। तो यहाँ पे भी ऑर्डर दे दिया खाने का, गुंजाइश नहीं है, लेकिन इनकी मोहब्बत में अब क्या करें कि अब ये भी हम जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी खाने का ऑर्डर हो गया इंशाल्लाह, जैसे खाना आते तो वो फिर आपको दिखाएंगे, उसके बाद मेरी भी बस है और वीडियो की भी बस होगी। तो देखते हैं कि खाना जो है इनका किस किस्म का है, वो आप लोगों को रिव्यू जो है इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। बिलाल भाई हंस रहे हैं। अच्छा किस बात पे हंस रहे हैं वो नहीं बताऊँगा। ये जो है जूस आ गया है माशाल्लाह, सैलेड भी आ गया है और हम्मस, और इस तरफ जो है रोटी भी आ गई है, और इलियास भाई अभी तक नहीं आए, उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ से दाखिल हों तो खाना शुरू करें। जी इलियास भाई आ गए। ऐसे मैं कहना चाह रहा था कि वो पूरी डाल लें आपके अलावा, शायद पता नहीं इलियास भाई खाएंगे या नहीं खाएंगे, आप पूरी डालो उसको।